वेलकम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो पिछले ट्यूटोरियल में हमने एक क्वेश्चन दिया था, विश्व विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है। तो उसका आंसर होगा वेदव्यास। लेकिन बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट में बताया है, जो कि बहुत सही आंसर उन्होंने बताया है कि वेदव्यास होंगे, महर्षि वेदव्यास। तो चलिए उनके लिए धन्यवाद मैं देता हूँ कि उन्होंने हमारे सभी ट्यूटोरियल देखे। अब अगले क्वेश्चन पे हम ध्यान देते हैं, जो आज का ट्यूटोरियल है उसका पहला क्वेश्चन जो है ये है, भारत में किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। तो पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। तो ये कर्नाटक साइड बोली जाती है दोस्तों। तो ये जो कर्नाटक है वहां पे कन्नड़ भाषा बोली जाती है। चलिए हम अगले क्वेश्चन देखते हैं। गीतांजलि के कवि क्या हैं? गीतांजलि के कवि हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी। ठीक, अब हम अगला देखते हैं क्वेश्चन, किन दो स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है। ऐसा कौन से दो स्थान है जहां पे मतलब कि हिमसागर एक्सप्रेस चलती है। तो उसका आंसर होगा दोस्तों कन्याकुमारी, मतलब जम्मू जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक, मतलब भारत के एक साइड से लेके दूसरे साइड तक चलती है। तो चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं, जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद है। जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद है? तो थल सेना का। पांचवा जो होता है दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है। अमरनाथ की गुफा कहाँ स्थित है? तो उत्तर होगा इसका जम्मू और कश्मीर में। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो उत्तर होगा कश्मीर। रेल पथ के नैरो गेज की चौड़ाई होती है, जो नैरो गेज होती है उसकी चौड़ाई होती है तो 6। ठीक, अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो जापान। उगते हुए सूरज की भूमि किसे कहा जाता है? जापान को, जहाँ पे सूरज पहले उगता है। तो अगला हम देखते हैं, कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है? तो कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है? तो उत्तर होगा भोपाल। किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है? तो मलयालम भाषा जो है वो केरल साइड बोली जाती है, केरल में, जहाँ की मलयालम भाषा प्रसिद्ध है। 11, जो चंडीगढ़ का रॉक गार्डन शैल उद्यान किसने बनवाया था? चंडीगढ़ में जो रॉक गार्डन है शैल उद्यान, उसे हिंदी में शैल उद्यान कहते हैं, उसे किसने बनवाया था? तो नेक चंद्र ने। जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? जम्मू तवी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला है, कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? काबुल। काबुल जो है वो अफगानिस्तान की राजधानी। अगला हम देखते हैं, कौन सा शहर जापान की राजधानी है? टोक्यो। जो टोक्यो शहर है वो जापान की शहर की राजधानी है। तो हम अगले क्वेश्चन पर ध्यान देते हुए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश की सूची स्तंभ पिरामिड पाए गए हैं? किस देश में सूची स्तंभ पिरामिड पाए गए हैं? तो उत्तर होगा मिस्र के। अगला क्वेश्चन, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? ऐसे कितने जानवर हैं जो रेगिस्तान, मतलब कि ऐसे कौन सा जानवर है जो रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? उत्तर है ऊंट। ऊंट महीनों भर का पानी दोस्तों एक साथ पी सकता है, इसलिए रेगिस्तान का जहाज उसे बोला जाता है। किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ? उत्तर होगा 1869। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ, जो राष्ट्रपिता कहलाते हैं हमारे भारत देश के। रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई होती है, रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई होती है 1 मीटर। जो दोनों रेल की पटरियां होती हैं उन दोनों के बीच का गैप कितना होता है दोस्तों? 1 मीटर होता है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। तो अगला हम देखते हैं, विश्व का सबसे लंबा पशु है? जिराफ। जो विश्व का सबसे लंबा पशु है वो जिराफ है। ठीक है दोस्तों, अगला हम देखते हुए क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं, विश्व की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय गणराज्य में के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? उत्तर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति? तेनजिंग नोरगे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति है। कारगिल कस्बा किस राज्य में है? तो कारगिल कस्बा जम्मू एंड कश्मीर में है। अगला, पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था? उत्तर होगा बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था।
अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है? अजमेर किस सूफी संत से संबंधित है? तो उत्तर होगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की? किस मुगल राजा ने धार्मिक संप्रदाय दीन ए इलाही की स्थापना की? अकबर। ठीक, मानसून हवाएं कौन सी होती हैं? मानसून हवाएं वर्षा ऋतु की हवाएं मानसून हवाएं कहलाती हैं। पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है, सर्कल हम बोल सकते हैं, सबसे बड़ा सर्कल भूमध्य रेखा है। तो आज के ट्यूटोरियल का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी अभी दुनिया में सबसे बड़ी मूर्ति भारत में बनी है। ठीक दोस्तों, 180 मीटर की। तो चलिए आज का हम लास्ट क्वेश्चन बोलते हैं, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, ताकि हम आपको बता सकें कि आपका आंसर सही है, और हमें ताकि पता चलता रहे दोस्तों कि आप कितना क्वेश्चंस अच्छे से करते हैं, कितने नहीं करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा हमारे इस वीडियो पे। जैसे ही आप इस क्वेश्चन का कमेंट हमको बताएंगे, हमको पता हो जाएगा कि आपने हमारे वीडियोज को देखा है, और साथ में कमेंट में बताइए कि आपको इसका आंसर बनता है। सिर्फ देखने बस से काम नहीं होता दोस्तों, आप कमेंट करेंगे ताकि हमको पता भी चले कि आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं और सभी वीडियोज हमारे देखते हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो आपने यदि देखा है तो उसके लिए हम बहुत बहुत आभार आपका व्यक्त करते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यदि आपको पसंद आ रहे हैं वीडियो तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट में बताइए आंसर कैसे, मतलब कौन किसका आंसर क्या होगा लास्ट क्वेश्चन का, और सब्सक्राइब जरूर करिएगा यदि आपने अभी तक पहली बार हमारे इस चैनल में विजिट किए हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए दोस्तों, ताकि उन सबको भी इन क्वेश्चंस का आंसर मिल सके। तो धन्यवाद, मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय।